Hey everyone, my name is Aditya and welcome back for another video. So guys, as you can see, मेरे hair काफी long हो चुके हैं and इस video का title पढ़ के आप बता ही सकते हैं कि आज मैं आपको कुछ long hair के disadvantages बताऊंगा. तो guys, वैसे तो long hair काफी अच्छे लगते हैं अगर उन्हें perfectly style किया जाए. आपके बाल काफी flowy दिखते हैं, एकदम hero जैसा look आता है. बट लॉन्ग हेयर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा. तो गाइस, अगर आप भी अपने हेयर को लॉन्ग करने का डिसीजन ले रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए. सो लॉक योर आई बॉल्स इनटू दिस वीडियो. तो गाइस, जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है लॉन्ग हेयर का वो ये है कि इन्हें मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है. जैसा कि मैंने पहले कहा था कि लॉन्ग हेयर काफी फ्लोई लगते हैं, काफी अच्छे लगते हैं, बट ये इसका डिसएडवांटेज है कि इन्हें मैनेज भी आपको उसी तरह से करना पड़ता है. अगर आपको अच्छा लुक चाहिए तो आपको इनको मैनेज करना पड़ेगा एंड लॉन्ग हेयर को मैनेज करना बहुत हार्ड होता है. तो गाइस, मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो जब मैं मॉर्निंग में उठता हूं तो मेरे हेयर की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती एंड बिल्कुल भी देखने लायक नहीं रहती. एंड ऐसे में अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो तो मुझे अपने हेयर को स्टाइल करना पड़ेगा वगैरह वगैरह एंड काफ़ी टाइम लग जाता है उसे मैनेज करने के लिए. एंड मैं उससे बचने के लिए एक कैप यूज़ करता हूँ. तो ये एक डिसएडवांटेज ही है. अगर आपको लॉन्ग हेयर चाहिए, अच्छा लुक चाहिए, तो आपको उसे मैनेज भी उसी तरीके से करना होगा. सेकेंड डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि मेरे ब्लो ड्राइंग का टाइम काफ़ी इंक्रीज हो गया. ये एक डिसएडवांटेज ही है बिकॉज पहले जब मेरे हेयर जब शॉर्ट थे तो मुझे अराउंड 3 to 4 minutes लगते थे अपने हेयर को कम्प्लीटली ड्राई करने में. एंड अब वो टाइम बढ़ के 5 to 6 minutes हो चुका है, जो काफ़ी लॉन्ग टाइम. एंड ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पर्सनली मेरे लिए बिकॉज मैं हमेशा हरी में रहता हूँ एंड इतना टाइम मैं पर्सनली हेयर स्टाइलिंग में नहीं दे सकता. सो अगेन मुझे कैप यूज़ करनी पड़ती है अगर मुझे कहीं अर्जेंटली बाहर जाना हो. थर्ड डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप अपने लॉन्ग हेयर को परफेक्टली स्टाइल कर सकें. मुझे ऑलमोस्ट डबल अमाउंट यूज़ करना पड़ता है हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट का कंपेयर टू जब मेरे हेयर स्मॉल थे, तब मुझे आधा ही यूज़ करना पड़ता था. बट अभी मेरे को डबल हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ता है एंड उसे अप्लाई करना, एप्लीकेशन भी बहुत मुश्किल हो जाती है प्रोडक्ट की बिकॉज जब लॉन्ग हेयर में वो टग एंड पुल करता है प्रोडक्ट एंड बिल्कुल भी नेचुरल फीलिंग नहीं आती है. एंड जो हेयर स्टाइल फाइनल रिजल्ट में आती है वो भी इतनी नेचुरल नहीं लगती. फोर्थ जो डिसएडवांटेज है लॉन्ग हेयर का वो ये है कि आप वॉल्यूम मेंटेन नहीं कर सकते एंड वॉल्यूम अचीव भी नहीं कर सकते. मैं चाहे कोई भी टेक्निक यूज़ कर लूँ, कोई सी भी ब्लो ड्राइंग टेक्निक यूज़ कर लूँ, बट मेरे हेयर में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा बिकॉज उसकी जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है एंड वो वॉल्यूम को सपोर्ट नहीं कर सकती. एंड अगर थोड़ा बहुत वॉल्यूम आ भी जाता है तो वो बाद में पूरे दिन में वापस गिर ही जाता है एंड हेयर स्टाइल उतनी अच्छी नहीं लगती है. सो आपके हेयर स्टाइलिंग ऑप्शंस भी लिमिटेड हो जाते हैं बिकॉज आप वॉल्यूमिनस हेयर स्टाइल नहीं अचीव कर सकते. आप 3 to 4 हेयर स्टाइल्स ही आपके पास रहती है, उसके अलावा आप ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं अचीव कर सकते लॉन्ग हेयर. वेल गाइस, ये थी मेरी वीडियो लॉन्ग हेयर के डिसएडवांटेजेस पे. आपको होपफुली पता लग ही गया होगा कि लॉन्ग हेयर के क्या डिसएडवांटेज होते हैं, पर्सनली मैं क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा हूँ. होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है देन मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन. एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं देन मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, वो लाल वाला बटन दबा दीजिए एंड साथ के साथ वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले एंड आप उसे देख सकें. एंड नाउ अब टाइम आ चुका है इस वीडियो के नोटिफिकेशन शाउटआउट का. एंड इस वीडियो का नोटिफिकेशन शाउटआउट जाता है रेखा पटेल को. इन्होंने कहा है, ब्रो आई सब्सक्राइब टू योर चैनल एंड योर वीडियोज़ आर फैन, थैंक यू. एंड अगर आपको भी इनकी तरह मेरी वीडियोज़ में फीचर होना है तो आपको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो बेल आइकन दबाना है एंड मेरे मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने दोनों ही कर दिया. आपको भी चांस मिल सकता है मेरी वीडियोस में फीचर होने. इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं. गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है. थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई लव यू ऑल एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन कीप साइलेंट एंड प्रो ऑफ फाइल.